एक सेठ लाहौर तो चलिया, उन्हें बिजनेस व्यापार करना सी दिल्ली, तो उस इलाके में ठग रहिंदे सन। ठगा नूं पता लग गया फलाने दिन सेठ ने लाहौरों निकलना है, दिल्ली पहुंचना है, फलानी ट्रेन विच जाना है, उहदे कोल इन्ना कैश होना है, यह सारा कोई ठगा ने पता करवा लिया। क्योंकि जिन्हों ठग लुटते ने वह कई दिन साध संगत उहदी पहरेदारी करते रहिंदे ने, कित्थे बंदा जांदा आउंदा है, कदों आउंदा है। जिन्हां ने घर विच वी घर लुटना कई दिन पहलां वेखदे ने तुहाडे घर दी औंदक जांदक। कहिंदे ने उह ठगा ने पूरी पहरेदारी रखी, सेठ बारे पता लग गया। जदों वह सेठ दिल्ली वल तुरिया ट्रेन विच बैठा, ठगा ने आपस में एक दिन पहले मीटिंग कर ली। वह ठगा ने मीटिंग की वे फलाना सेठ जा रहा है, इन्ना उहदे कोल कैश है, जिदा का सेठ ने कोट पेंट पाया उदा का पाया, जो कपड़े पहनने से उन्हें पहन लै, वह जहा ब्रीफकेस चुकया, उस ट्रेन की टिकट ली है, उस डब्बे की टिकट ली है, जाके नाल बह गया, कैश चुराना इहदे कोलों। नाल सेठ दे बह के ठग की कहिंदा, सेठ जी व्यापारी लगते हो? कहन लगा हां बिजनेस करदा दिल्ली जा रहे हैं। कहन लगा मैं भी दिल्ली जा रहा, साडा भी बड़ा बड़ा बिजनेस है, असी भी व्यापार करीदा, इधरों सौदा खरीदीदा, उधर जाके करीदा। उन्हें ब्रीक इस बैग भी उदा का चुकया, हुण ठग सेठ नाल उपरनियां गल्लां मारदा, मोटियां गल्लां मारदा, इन्ना कारोबार चलता है, इन्ना कारोबार चलता है, विचों मन पता की कहना है, ये सेठ मेरे ते विश्वास कर ले, विश्वास करके जदों उठ के कदे वाशरूम जाएगा ट्रेन विच, मैं इहदा ब्रीफकेस बैग लेके उतर जाना, इहदे विच कैश है। पर माफ करियो, सेठ चलदा चलदा अमृतसरों दिल्ली पहुंच गया, कहिंदे उन्हें एक बार भी उठ के ट्रेन विच वाशरूम नहीं गया, उन्हें बैग छड्डिया ही नहीं अपना। ठग ने सोचा बंदा बड़ा खराब है, इहनूं लुटना औखा है, चलो कोई नहीं दिल्ली तक तो जाना ही है। दिल्ली पहुंच गए, जेडे होटल विच सेठ ने कमरा लिया उस होटल में ठग पहुंच गया, ते जाके कहिंदा सेठ जी आपां व्यापारी बंदे हां, कल्ले कल्ले हां, दो दो कमरे क्यों लेने ने किराए उत्ते, तुसी भी दो दिन रह के अपने इत्थे बिजनेस व्यापार करना है, मैं भी दिहाड़ी दो दिन रहना है, कमरा एक ही ना ले लीए। सेठ ने कहा चल लैला पैसे बचते हैं, अद्धो अद्धी पैसे पै के कमरा एक ले लिया। हुण तां ठग नूं खुशी चढ़ गई वी रात पैणी, सोना तां है ही है ना, जदों सेठ सुत्ता मैं निकल जाणा। इक्को कमरे विच ठहर गए, ठग नूं नींद कित्थे आवे, इसे गल दी उड़ीक विच है कदों सेठ जी सौण, मैं उन्हां दा ब्रीफकेस लेके निकल जा। कहिंदे ने हुण ठग जिहड़ा होटल दे बाहर टहलण लग पिया, कहिंदा सेठ जी मैनूं नींद नहीं आउंदी, मैं थोड़ा जिहा घूम फिर लवां, तुसीं आराम करो। जदों वापस आया सेठ सुत्ता पिया, ठग नूं चाह चढ़ गया, उहने सुते होए सेठ दा कपड़े जिन्ने ब्रीफकेस उहदा बैग सी उह फरोलिया चंगी तरां, विच कोई पैसा ना निकलिया। सराहणा वेख्या, सराहणे भी कोई पैसे नहीं, पलाई चुके गद्दा चुके पौंदियां वेख्या, उत्थे भी कोई पैसे नहीं। उह पूरे कपड़े कागज़ तां कपड़े जरूर सी, पर उह कागज़ां ते कपड़िआं विच पैसा नहीं कोई मिलिया। ते सेठ कहिंदा भाई खबर गलत नहीं हो सकती, पर पैसे कित्थे लुकोए ने, लभदे नहीं। बैठा बैठा सोचता सौं गया, जदों ठग सवेरे उठदा है ना, उन्हें वेख्या सेठ पहलां उठ गया, क्योंकि वह पहलां सुता, उहदा रोज उठण दा रूटीन सी। जदों सेठ उठ के बैठा, जदों ठग ने उठ के वेख्या, सेठ अपने बैड ते बैठा, दत्थियां पैसे दियां रखियां गिणन लगा होया है। ठग दा तां तराह निकल गया वी पैसे राती नहीं लभे ने, कित्थे लुकोए सी, रात लभे नहीं, पता नहीं कित्थे लुकोए सी, हुण कढ वी लै। सारा दिन सेठ ने बिजनेस व्यापार किया, ठग ने घूम के टाइम पूरा किया, रात पई। अज ठग ने कहा अज ते ठगना ही ठगना है, मैनू लगता है इन्हें बिस्तरे दे थले लुको के रखे सी, मैं इन्हू चंगी तरह टो नहीं सकया। जदों अगली रात आई ना, सेठ सौ गया, ठग ने बेहोशी वाली दवाई लैंदी रुमाल ते रख के सुते सेठ नू सुंघा दित्ती। हुण सेठ बेहोश हो, हुण इहने उहदा बैग भी फोलिया, सराहणा भी फोलिया, ते सेठ नू परां नू बख दवा के उहदी तलाई गद्दा सब कुछ थले फोलिया, ना गद्दे विचों निकले, ना सराहणे चों निकले, ना बैग चों निकले, ना ब्रीफकेस चों, पैसे कितों नहीं निकले। ठग सोचदा है भई ठग मैं आ कि इह सेठ बंदा ठग है, ठगिया नहीं जांदा, मैं इन्ना खर्चा भी कीता है, यह बंदा ठग नहीं हो रहा। कहिंदे रात लंघ गई सोचदिआं, सवेरे दिन चढ़िया तां उह ठग तां सुत्ता पिया सी, सेठ जी उठ खड़े, पर जदों उह ठग उठिआ उहने वेख्या सेठ अपने बैड ते बैठा है, दुआरा फिर पैसिआं दीआं दत्थियां रख के गिणदा है। हुण मत्थे ते हथ मारदा वी राती नहीं लभे पैसे, सवेरे कित्थों कढ लैंदा है। उह ठग हथ जोड़ के खलो गिआ, कहिंदा सेठ साहिब मैनूं समझ नहीं आउंदी वी ठग मैं आ कि तुसीं आ, असल विच मैं कोई सेठ सूठ नहीं, मैं आ ठग बंदा, कित्थों लाहौरों तुहाडे मगर लग्गा ठगण वास्ते। उह तीन दिन हो गए तुसीं ठगे नहीं जांदे, रोज़ सवेरे उठ के पैसे कढ के गिण लग पैंदे हो, पैसे लुकाउंदे किथे हो? मैं राती तुहानूं बेहोश करके तुहाडा बैग फोलिया, ब्रीफकेस फोलिया, तुहाडा सराहणा तलाई रजाई जिथे तुसीं गद्दे ते पए हो, परां नूं बख दवा के थले गद्दा भी वेख्या, कितों पैसे नहीं लभे, हुण कित्थों कढ के गिण लग पए। सेठ ने जवाब पता की दिता, वह सेठ बोलिया कहिंदा ठग भरावा जदों दा तूं लाहौरों चला ना मेरे नाल, मैनूं उदों ही तेरे ते शक सी, तू सेठ नहीं, तू कोई ठग लगना, ते उह तेरियां गल्लां जी बहुत वड्डियां सी, ते मैनूं पता सी तू मैनूं ठगना। वह कहिंदा अच्छा जी, फिर पैसे कित्थे लुकोए? वह सेठ बोलिया
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਗੱਦਾ ਸਰਾਣਾ ਫੋਲ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਬਰੀਕੇਸ ਫੋਲ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਟਹਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੌਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਰਾਤੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਤੇਰੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੂੰ ਫੋਲਣਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਤਾਂ ਫੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੈਗ ਫੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਫੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੇਰੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੱਗ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਸੇਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੱਗ ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੋਲਦੇ ਨੇ ਫਲਾਨਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰੋਲਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਦਣ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਦਣ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਇਹੀਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ।